माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि अपने गुस्से पर काबू रखो, फिर भी मुझसे गलती हो गई। गुरु कौन है आपकी गुरु? जी वो जॉन कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था कि किस तरह औरत की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते। मेरे सपनों की रानी कहाँ है? ले 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 ले। पिताजी क्या है? लगता घर में कोई नहीं है, सब फिल्म देखने गए हैं। नौकरों को भी साथ ले गए हैं। वेरी गुड यार। कैसे लोग हैं, घर खुला छोड़कर चले गए। चुप, मुंह को ताला लगाओ। ताला? ताला मैं तो लाया नहीं। भैया आप लाए हैं? मैं नहीं लाया, तू लाया। नहीं पिताजी, आप ताला लाए। अरे चुप। हिटलर, हिटलर। अंकल मैं यहाँ हूँ। ये सब क्या? मिठाई, फल, फ्रूट। ये शगुन है शर्मा। शगुन? हाँ। कैसा शगुन? पंगनी का शगुन। मेरे तीनों बच्चे अब घर बसाने के लायक हो गए हैं, इसलिए तेरे तीनों बच्चियों के साथ मंगनी का शगुन। हमारी मंगनी? यस। आपके लड़कों के साथ? यस। इन बेवकूफों के साथ हम रिश्ता जोड़ेंगे? ये सब क्या हो रहा है हिटलर? ना हमने कुछ तय किया, ना हमारी कुछ बात हुई, और तुम शगुन लेकर आए। बात नहीं हुई तो अभी हो जाएगी, बाद में हो जाएगी। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? तुम तीनों अंदर चले जाओ, जाओ अंदर। और आप लोग जैसे आए वैसे बाहर चले जाओ। अरुण। जी पिताजी। इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। रास्ता हमें मालूम है, मगर ये रिश्ता तुझे मंजूर क्यों नहीं है? क्या बुराई है मेरे बच्चों में? हम सेहतमंद हैं, हम जवान हैं, हम खूबसूरत हैं। बुराई तुम्हारे बाप में है, न जाने कितने बेगुनाहों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। तो तू चाहता है कि तेरे खून से भी मेरे हाथ रंगे? मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। शर्मा, ये थालियां मैं यहीं रख कर जा रहा हूँ, लेकिन चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि एक दिन तू ये सब थालियां अपने सर पर रखकर गिड़गिड़ाते हुए मेरे बच्चों का रिश्ता मांगने आएगा। मैं एक बार कहता हूँ, 100 बार समझ लेना। हाँ देखेंगे यार। ए, क्या हुआ? अरे शक्ल क्यों छुपाना? शक्ल नजर आएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। है? क्या मतलब? हेलो मिस्टर राजू। हेलो गंगा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? जब से तुमसे मिली हूँ और तुम्हारे गुरु जॉन कुछ के बारे में सुना है, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। बस सारी रात सो नहीं सकी, तुम्हारी याद में करवटें लेती रही, करवटें लेती रही। पलंग में खटमल बहुत होंगे। ये कौन है तुम्हारे साथ, मुँह क्यों छुपा के रखा है? वो जी, यही तो मेरे गुरु हैं, जॉन कुछ। ना ये किसी औरत जात को देखते हैं, ना ही अपनी शक्ल दिखाते हैं, इसीलिए मुअज्जिज़ औरतों की तरह पर्दा करते हैं। अच्छा, आप ही गुरु जी हैं? बहुत महान है, मुझे आपके पैर छूने चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? जी 2 दिन के लिए हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, नारी रक्षा पर भाषण देने के लिए। अच्छा, मैं भी एक केस के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, आते ही आपसे मिलूंगी। मिलोगे ना? जी जरूर मिलूंगा। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी बाय बाय बाय। मुबारक हो गुरु, इस कुछ कुछ ने तो बहुत कुछ कर दिया यार। हाँ यार, चल मेरे सिक्के, अब बता मेरा दूसरा शिकार कौन है। जबुना, अब इंस्पेक्टर साहिबा की सीटी बजने वाली है। चलो इंस्पेक्टर साहिबा, आपने बहुतों की छुट्टी की है, बहुतों की तलाशी ली है, अब मैं आपकी तलाशी लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर, जमुना स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी पर? मैं हमेशा ड्यूटी पर रहती हूँ। फोन करने का मकसद बताओ। मकसद? मकसद हम किसी को बताते नहीं, हासिल कर लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले मिनिस्टर की छोटी सी लड़की को किडनैप किया है। क्या चाहते हो तुम? तुमसे मिलना चाहते हैं।
सुना है कि तुमने बहादुरी के बहुत से कारनामे किए हैं। देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबी क्या है। अगर बच्ची को बचा सकती हो तो बचा के दिखाओ। अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ ना पहुंची तो हम बच्ची को जान से मार देंगे। नहीं यार, मदद कर रहा हूँ। कहाँ पहुँचना है? काले पहाड़ी के पीछे जो फैक्ट्री है वहाँ। मगर अकेली आना, किसी को साथ लेकर आएगी तो तुझे बच्ची की लाश मिलेगी। ठीक है ठीक है। ए भाई, जैसे बोला वैसे ही करना, ठीक है? ओके। हेलो इंस्पेक्टर, अकेली आई हो ना? हाँ बिल्कुल अकेली आई हूँ। अरे लेडी इंस्पेक्टर, क्या बात है? ए झूठ बोलती है, कहती है अकेली हूँ और साथ में अपने पति को लाई है। ये मेरे पति नहीं है, ऐसे इधर आ गए, तुम जाओ यहाँ से। मैडम कोई प्रॉब्लम, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से, वरना मिनिस्टर की लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गो, आई सेड गो। ओके ओके ओके। ए तू जो भी है अच्छा हुआ आ गया, चल जल्दी इंस्पेक्टर का पिस्तौल निकाल। चलो निकालो। निकाल लिया। चलो दोनों ऊपर आ जाओ। क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा? क्या चल रहा है? और 100 रुपया। ठीक है भाई, ओके। नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर हेल्प। इस देश के सारे शहरी तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान बने, इसी तरह कानून की मदद करें तो यहाँ से जुर्म ही मिट जाए। थैंक्स अगेन। वेलकम। वैसे मुझे कानून की मदद करके खुशी हासिल होती है। चलता हूँ। ओके। आंटी, वो अंकल अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। इन्होंने मुझे चॉकलेट्स दिए थे। इन्होंने चॉकलेट दिया था? हाँ, यही मुझे घर से उठा कर लाए थे। आपको फोन भी किया, अभी आपकी मदद भी की, समझ में नहीं आता। अच्छा, ये सब इनका प्लान था। बस करो, क्यों मरना चाहते हो तुम? मिनिस्टर की लड़की को क्यों किडनैप किया? बताओ किसके लिए काम करते हो, कौन है तुम्हारे साथी, तुम्हारा हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बताओ? मैं अपने अरमानों के लिए काम करता हूँ। मेरे साथी मेरा प्यार है और मेरा हेडक्वार्टर्स मेरा ये दिल है। तू ऐसे नहीं बताएगा। अरे क्यों अपने नाजुक हाथों पर जुल्म कर रही हो? ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, ये सबके सामने नहीं, मैं
अकेले में बताऊंगा। ठीक है, तुम सब बाहर जाओ। अब बताओ। करीब आओ, कोई सुन ना ले, दीवारों के भी कान होते हैं। अब बताओ। और करीब आओ। अब बताओ। और करीब। कॉन्स्टेबल, इसको छोड़ दो। आई लव यू पूछ। कुछ बताया उसने? हाँ बताया। क्या बताया? ऊंच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव।